दोस्तों कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग बाइक जिसका नाम है यामा R15M और बोल सकते हो अपडेटेड मॉडल ऑफ R15 वर्जन 3। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि R15M एक नया सीरीज़ है और R15 का जो अपडेटेड मॉडल है वो अलग है। एम सीरीज़ में बहुत सारे अपडेटेड देखने को मिलेंगे जो आपको R15 नेक्स्ट जनरेशन वाले में उतना नहीं देखने को मिलता है। और इस गाड़ी की लॉन्चिंग कल है, आप लोगों को पता ही है 11 बजे इसका लॉन्चिंग इवेंट है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इवेंट को अटेंड करने के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अभी तक की जो अपडेट्स है वो सारे मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में एंड कुछ हिडन अपडेट्स भी है जो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो आप लोग को पता है ना करना क्या है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, उसके साथ में जो बेल आइकन उसको भी दबा देना, नहीं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वंचित रह जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि आप लोग को पता ही है इस गाड़ी को काफ़ी पहले टेस्ट करते हुए देखा गया है। इस गाड़ी का जो डिज़ाइन लिया गया है और रिजम्बल किया गया है वो किया गया है YZF R7 से, जो कि एकदम नया फ्रेश मॉडल था इन यामाहा सीरीज। किसी को पता ही नहीं था और सडनली ये इंजन डेवलप्ड हो गया एंड R7 लॉन्च हो गया। सेम फेसिया में इस गाड़ी को डेवलप्ड किया गया, हालांकि पीछे साइड से पूरा सिमिलर R15 वर्जन 3 जैसे ही है, लेकिन फ्रंट एंड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए कंपनी ने, जहाँ पे आपको सिंगल पॉट LED हेडलाइट देखने को मिलता है, जो कि आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलता है विद 2 DRS, साथ ही साथ आपको कन्वेंशनल इंडिकेटर मिलता है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे LED सेटअप होता तो बहुत सही होता, साथ ही साथ इसमें बड़ा सा विंडस्क्रीन एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। फिलहाल अभी तक का जो अपडेट है ये है कि R15 जो नॉर्मल वाला रहेगा उसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड R15M में आपको फुल्ली TFT स्क्रीन मिलेगा एंड सुनने में आया है कि इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी मिले सकते हैं, तो ये कल हमको पता चलेगा। अभी तक जो सोर्स से पता चला वो ये है कि इसमें राइडिंग मोड्स भी है जो कि R15M में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको अपसाइड डाउन फोग एंड इसके जो RTO का जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कट हो चुकी है कि पावर क्या रहेगा, व्हील बेस क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगा, विड्थ क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगा, सब कुछ उसमें ऑलरेडी बताया गया है। और ये एक टाइप से बोल सकते हैं एक गेम चेंजर हो सकता है R15 सीरीज में। R15M की बात करो तो यहाँ पे लुक वाइज तो उतना कुछ है नहीं, लेकिन R15M में कलर वाइज काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसके जो व्हील्स है वो ब्लू कलर में काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ जो एग्जॉस्ट का थोड़ा डिज़ाइन है उसको भी थोड़ा रिजेंबल किया गया, जिससे इस गाड़ी को लुक थोड़ा नया मिल सके। प्राइसिंग ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, 1,95,000 इसका ऑन रोड प्राइस होगा एंड जो ऑन गोइंग R15 वर्जन 3 है उससे 7,000 से 8,000 रुपये आपको ज़्यादा प्राइस देखने को मिलेगा फॉर दिस बाइक। हालांकि पावर आउटपुट थोड़ा कम हो गया, 18.3 हो गया, इसको थोड़ा बढ़ना चाहिए था। बहुत पहले बोल रहे थे लोग कि इसमें ये चीज़ हो सकता है, ये अपडेट हो सकता है। वेल दोस्तों कंपनी ने कुछ भी अपडेट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें फेसिया मतलब फ्रंट एंड को अपडेट किया है एंड अपसाइड डाउन फॉक को अपडेट किया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कल अपन लाइव इवेंट में मिलते हैं, साथ में चिट चैट भी करेंगे एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये गाड़ी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड आप में से जो भी इस गाड़ी को परचेस करना चाहता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप 1,95,000 रुपीज़ पे करेंगे फॉर 150 cc बाइक। आप लोगों का कह रहा है बहुत मैटर करता है क्योंकि प्राइस पेट्रोल का काफ़ी बढ़ रहा है एंड कुछ समय पहले सुनने में आया था कि GST इंक्लूड होगा पेट्रोल में, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया फ्रॉम द निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो अभी फिर से वही पेट्रोल प्राइस रहने वाला है, कोई भी उसमें गिरावट नहीं होने वाली है। आप लोग को जो कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।